हेलो मेरे प्यारे बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी का भाषण संभाषण। आज का हमारा अक्षर है अक्षर री। बच्चों री से होता है ऋषि और ये है री की मात्रा। री की मात्रा बच्चों हमेशा किसी भी अक्षर पे ऐसे नीचे की ओर लगती है, ठीक है? तो आज से ध्यान रखिए, ये है री की मात्रा और ये है अक्षर री। री से ऋषि। देखिए बच्चों ये है वन, तो व से वन। ये है ब से बकरी। ये है क से कढ़ाई। उसी तरह बच्चों ये है री से ऋषि। और ये देखिए इमली के बीज है ना, इसको कहते हैं चिया, तो ये है चिया, तो ये है इया। ओके, अब है वाचन यानी पढ़ना है। कब, ये है री ण ऋण। वचन चिया, देखिए च पे छोटी की मात्रा लगी तो चिया। ये है म पे, देखिए री की मात्रा लगी है। अभी मैंने आपको बताया कि री की मात्रा अक्षरों पे नीचे लगती है ना, तो म पे री की मात्रा मृग। ये है ब पे ऊ की मात्रा बू। अ पे आ की मात्रा आ, बुआ। मूली विनीत, देखिए व पे छोटी की मात्रा वी, न पे बड़ी की मात्रा नी, तो विनीत। ये है ज पे छोटी की मात्रा जू, न पे बड़ी की मात्रा नून, जुनून। ये है बच्चों म पे री की मात्रा लगी हुई है, तो म पे री की मात्रा मृ, ण पे आ की मात्रा णा, ल पे छोटी की मात्रा ली, न पे बड़ी की मात्रा नी, मृणालिनी। इसी तरह आपको मिला मिला के पढ़ने की प्रैक्टिस करना है बच्चों। ये है बबीता कमीज ला, बिजली चली गई, लतिका विनीता आओ। ये है रितु ताली बजा, विमला नाव चला, पवन बाल बना, मनीष वजन ला, कमल गाना गा, कविता ताला लगा। ठीक है बच्चों, सुनना है आपको ऐसे ही दोहराना है। अब आपको क्या करना है, लेखन। लेखन यानी लिखना। चित्रों का निरीक्षण करना है यानी चित्रों को देखना है, उनका नाम पहचानना है, शब्दों को सुनना है और समान ध्वनि यानी जो आवाज यानी जो अक्षर समान हो एक जैसे उनको पहचान के अलग करना। ठीक है, तो ये है वकील, है ना, वकील ऐसे ही होते हैं ना, तो वकील। चावल और ये है नाव। अब देखिए वकील में वह है, चावल में भी वह है और नाव में भी वह है, तो हमने क्या किया, वह को अलग कर दिया। उसी तरह ये है बत्तख, है ना, बत्तख है डक। देखिए ब से बत्तख। शरबत, सपे की मात्रा सेब, है ना, सेब। तो देखिए ब ब और ब, ये ब सब में है यानी सेम सुनाई दे रहा है ब, तो ब को हम क्या किए, अलग लिख दिए। उसी तरह बच्चों ये है कलश, छिपकली और किताब। देखिए कलश में भी क है, छिपकली में भी क है और किताब में भी क है, तो हमने क को क्या किया, अलग लिख दिया बच्चों। वो कुछ इस तरह से होता है, तो इसको बोलेंगे ऋण, है ना, ऋषि वाला री और न ऋण। ये है महा ऋषि, ये है उऋण, है ना, तो री को क्या किया हमने यहाँ अलग से लिख दिया।